हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, 18 जनवरी जो 2025 के दिन आपका पेपर है, तो उसी दिन ये ऐसा आपको ये ओएमआर शीट देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल ओएमआर शीट है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस ओएमआर शीट को कैसे जो है आपको भरना है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू होने से पहले। देखिए बच्चों, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे 18 जनवरी के दिन, ठीक है ना, 18 जनवरी के दिन यदि आप जाएंगे पेपर देने, तो यही ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है दो पेज में होगा। ये जो है आपका पृष्ठ वन है, यानी कि साइड वन है, और स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये साइड टू है, यानी कि पेज नंबर टू। ठीक है, ये दो पेज में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बताया दिया गया है। यहाँ पर देखिए निर्देश कुछ दिया गया है बच्चों, जो कि आपको फॉलो करना होगा। पहला जो यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है वह है बच्चों कि केवल काला और नीला बॉल पेन पॉइंट का ही प्रयोग करना है। मतलब कि यहाँ पर आपको काला पेन होना चाहिए या फिर ब्लू कलर का पेन होना चाहिए, और वो भी बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है, आप याद रखिएगा। और इसके बाद जितना ये जो गोला है ना, तो वो गोला को पूरा भरना है। इसमें कोई भी अतिरिक्त निशान, यानी कि इस तरीके का कोई निशान इधर उधर नहीं लगाना है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है ये सारी बातें। और ओएमआर शीट पर आपको रफ वाला कार्य नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये ओएमआर शीट है, इस पर आपको किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं लगाना है बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखिए पहले नंबर पर दे दिया गया है अनुक्रमांक, यानी कि इसमें रोल नंबर आपको भरना होता है। रोल नंबर कहने का मतलब इसमें आपको एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर दिया रहेगा, तो वही रोल नंबर इसमें भरना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर 4 है, तो 4 भरेंगे, फिर 2 है तो 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, इस तरीके का मान लीजिए रोल नंबर है, तो आप इसमें अच्छे से रोल नंबर अपना भरेंगे बच्चों। ठीक है, और इसके बाद दूसरे वाले यहाँ पे जो कालम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको भरना होगा अपना अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अभय है, तो मैं अपने बड़े अक्षरों में लिखूँगा ABHAY, इस तरीके से पूरा हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे पिताजी का नाम भरना है। जैसे मान लीजिए पिताजी का नाम जो भी है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे रमेश, तो RAMESH, ठीक है, इस तरीके से साफ साफ अपना भर देंगे, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भर देंगे बच्चों। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे अब आपको नीचे आ जाना है दूसरे वाले पृष्ठ पे, दूसरे वाले पृष्ठ पे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है जैसे आप ऊपर भरे थे। इसके बाद यहाँ पे मेन बुकलेट नंबर भरना है आपको। देखिए बुकलेट आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसी को बुकलेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बुकलेट भरना होगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है ये बातें। ठीक है, तो यहाँ पर बुकलेट नंबर भर देंगे। अब जैसे अनुक्रमांक में आपको क्या करना है, जैसे आपका अनुक्रमांक जो भी है, मैं यहाँ पे जूम करके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के ठीक नीचे वाले को पूरा अच्छे से गोला कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे अच्छे तरीके से। और ध्यान रहे ये जो गोला आप कर रहे हैं ये कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार ऐसे आप बिंदी लगा दिए तो ये पूरा गोला ऐसे आप कर दिए। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई है, मान लीजिए इतना बड़ा बॉक्स है सपोज डेट, तो हम क्या करेंगे पूरे इस गोले को अंदर से पूरा ये इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, काला कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए ये मेरा कोई गोला है, इसको मैं ऐसे इस तरीके से पूरा काला कर दूंगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब ये मत काम करिएगा मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई गोला है और आप बाहर की तरफ रंग दिए, ऐसे रंग दिए, इस तरीके से मत करिएगा बच्चों, ऐसे आपकी रिजेक्ट हो जाएगी ओएमआर शीट। मान लीजिए इतना बड़ा अगर कोई गोला है तो इसके अंदर ही आपको गोला भरना है इस तरीके से बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे, इस तरीके का पूरा जो है ओएमआर शीट पर आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जैसे कि 1 के नीचे आप 1 वाले को कलर किए, उसी तरीके से मान लीजिए आपका रोल नंबर
नेक्स्ट जो डिजिट है वो टू है, मान लीजिए ये टू है, तो अब टू वाले को इसको पूरा काला करेंगे, ठीक है, आधा अधूरा नहीं भरेंगे, पूरा काला करना है ऐसे। अब मान लीजिए मैं ये डिजिटल पेन से कर रहा हूँ तो यहाँ पे सही से नहीं हो पा रहा है, बट आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये जो आपका मुख्य बुकलेट जो टेस्ट होता है उसको यहाँ पे भरना होता है, मुख्य टेस्ट बुकलेट नंबर जो मैं अभी बताया था। इसके बाद यहाँ पर भी अनुक्रमांक भरेंगे, देन इसके बाद आपको मेन टेस्ट बुकलेट नंबर यहाँ पर भी भरना है। इसके बाद बच्चों ये जो है आपको एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, स्टेट कोड जो होता है वो भरना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड भरना होगा, फिर ब्लॉक कोड भरना है, और इसके बाद सेंटर कोड भरना है। सेंटर कोड, ब्लॉक कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, उसी में से देख के भर देंगे। जैसे मान लीजिए स्टेट कोड 30 है, तो यहाँ पर 3 और 0 तो लिख लेंगे, और 3 के नीचे वाला यहाँ पर, ये जो 3 के नीचे वाला, तो 3 को गोला कर लेंगे, और 0 है तो 0 वाले को गोला कर लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये लाइन मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर लाइन आपको नहीं खींचना है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद अब नीचे सीधे आ जाएंगे यहाँ पर, अब आंसर्स वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया 1 2 3 4 5 ऐसे करके, टोटल यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा 80 क्वेश्चन। यहाँ पर आप आएंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 80, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिल जाएगा 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को कलर करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों जो है सही है आपका बी वाला, ठीक है, मान लीजिए आपका सही आंसर बी वाला है, तो हम क्या करेंगे बी वाले को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, ओके। इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही है, तो सी वाले को कलर कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला सही है, तो बी वाले को ऐसे कलर कर देंगे, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करना बच्चों, ध्यान रहे ओवर राइटिंग नहीं करना है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें तो हो गई, अब नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सबसे लास्ट में, तो लास्ट में दो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है बच्चों। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे जो इनविजिलेटर जो होते हैं वो सिग्नेचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको साइन करना होगा, वो भी उनके सामने। पेपर जब आप देंगे तो उसी टाइम यहाँ पे सिग्नेचर होगा, जैसे मान लीजिए जो भी अपना रनिंग हैंड में सिग्नेचर करते होंगे तो इस तरीके से अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, जो भी आपका साइन होता होगा उस तरीके से। जैसे ये मेरा साइन है अभय नारायण सिंह, तो मैं अपना एन सिंह इस तरीके से लिख दिया, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल ओएमआर सीट है। अब ऐसा ही ओएमआर सीट पर आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब उसको भी मैं दिखला दे रहा हूँ कि आपको कौन सा बुक है जिसके अंदर एकदम एक्चुअल में यही ओएमआर सीट देखने को मिलेगा, और अपने तैयारी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है बुक, ठीक है। ये देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, जो भी सिलेबस डिसाइड किया गया है उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिए गए होते हैं, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट विथ ओएमआर सीट, ये ध्यान रखिएगा, मेन जो मेरा समझाने का मोटो था, बताने का जो मोटो था बच्चों, वो ओएमआर सीट को लेकर था, ठीक है। तो इसमें आपको ओएमआर सीट देखने को मिल जाएगा, और 8 सॉल्ड पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपके जो पिछले कई सालों से जो पेपर हुआ है 2018 से लेकर 2024 तक, वो पेपर देखने को मिलेगा, और अलग से आपको प्रैक्टिस करने के लिए 20 प्रैक्टिस सेट विथ ओएमआर सीट यहाँ पर दे दिया गया है। जैसा कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आऊँगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इस तरीके से यहाँ पर दे दिया गया है, देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, जैसा कि आपको ओएमआर सीट में दिखलाया, जिस तरीके से ओएमआर सीट मैंने दिखाया कि नवोदय विद्यालय का ओएमआर सीट है, ठीक वैसा ही देख रहे हैं बच्चे कि ओएमआर सीट यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये जो है एकदम से एग्जाम जैसा माहौल बन जाएगा बच्चों, यदि आप इस बुक को लेकर प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम के टाइम, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बच्चों इस बुक को जो है आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, बिना कुछ समझे, क्योंकि ये देखिए बुक काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, ओके। बच्चों मैं इस बुक के बारे में बता ही दिया आपको, तो बुक खरीदने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक है, वहाँ से जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट वहाँ से भी जाके आप आराम से इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे लिंक से करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, केवल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो अमेजन में वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और इसके बाद ऑर्डर नाउ पर कर देंगे, तो इसके बाद आप आराम से बुक खरीद लीजिएगा। और इस बुक का नाम है जवाहर नवोदय
विद्यालय का ये प्रैक्टिस सेट है और जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।